नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी पर्यावरण विषय में रुचि रखते हैं तो आपने इसाटूस से यह नाम सुना ही होगा। यदि नहीं तो मैं दुर्गेश स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इसाटूस के बारे में, जो एक बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरा उत्साह बढ़ाओ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इसाटूस एक अफ्रीकन महिला है जो वेस्ट अफ्रीका के गैम्बिया से है। इसाटूस का जन्म 1972 में हुआ था, जो अभी 51 ईयर ओल्ड वुमन है। 1998 में चार अन्य महिलाओं के साथ इसाटो ने उत्तरी गैम्बिया में अपने गृह गांव में एनजाओ के रिसाइलिंग सेंटर की स्थापना की, जिससे अब गैम्बिया महिला पहल का नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय में जमा हो रहे प्लास्टिक कचरे के साथ कुछ करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। उन्होंने गैम्बिया में अमेरिकी शांति कोर कार्यालय, स्वीडिश संगठन फ्यूचर इन अवर हैंड्स और विकास संगठनों के लिए सलाहकार के रूप में काम किया है। क्या है अमेरिकी शांति कोर? अमेरिकी शांति कोर के वॉलंटियर एड शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण और सूचना बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई चल रहे प्रयासों में सहायता के लिए दुनिया भर के विकासशील देशों की यात्रा करते हैं। हाल ही में दोस्तों, गैम्बिया शहर में महिलाओं के फाउंडर और डायरेक्टर इसाटूस ने हाल ही में दुबई के शारजाह में अंतरराष्ट्रीय सरकारी कम्युनिकेशन फोरम में भाग लिया। इसाटूस को प्यार से अफ्रीका में प्लास्टिक की रानी के रूप में जानी जाने वाली उन्होंने पर्यावरणीय चिंता को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए अपनी उल्लेखनीय यात्रा और अपने मिशन को साझा किया। सिसे की कहानी लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की कहानी है। वह एक बहुविवाहित और आर्थिक रूप से वंचित परिवार से थी। जो परिवार माली से गैम्बिया में स्थानांतरित हो गया था, उसे अपने परिवार की शरणार्थी स्थिति और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपमानजनक लेबल का सामना करना पड़ा। इन शुरुआती अनुभवों ने समान परिस्थितियों में महिलाओं के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया। सिसे की यात्रा 1998 में शुरू हुई, जब उन्होंने अपने गांव पर प्लास्टिक प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव को देखा। उन्होंने अपने पड़ोसियों से प्लास्टिक की थैलियां इकट्ठा करना और उन्हें चटाई में बदलना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने गांव की अन्य महिलाओं को प्लास्टिक बैग और अन्य सामग्रियों को रिसाइकलिंग करना सिखाना शुरू किया। गैम्बिया में विमेन इन द सिटी की स्थापना करने पर सिसे को अपने समुदाय के पुरुषों से शुरुआती प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें डर था कि महिलाओं को सशक्त बनाने से पति के रूप में उनकी भूमिका कम हो जाएगी। हालांकि सिसे का दृष्टिकोण महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और अपने परिवार की भलाई में योगदान करने की क्षमता से लेस करना था। इस प्रतिबद्धता के कारण उनका उपनाम प्लास्टिक की रानी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कचरे को आर्थिक अवसरों में बदलने के लिए नवीन परियोजनाएं शुरू की। 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के आधार पर सिसे ने खराब जोखिम प्रबंधन को गैम्बिया और पूरे अफ्रीका के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में पहचाना है। वह इस बात पर जोर देती है कि लोग अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से समझते हैं। संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय यदि आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों ही दृष्टि से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए तो कचरा एक मूल्यवान संपत्ति हो सकता है। सिसे जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की तात्कालिकता पर जोर देते हैं। वह इस बात पर जोर देती है कि अकेले बात करना पर्याप्त नहीं होगा, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। वह इन प्रयासों में युवाओं को शामिल करने का आह्वान करती है, क्योंकि वह ग्रह के भविष्य के प्रबंधक है। सिसे ने विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग का आग्रह करते हुए जलवायु मुद्दों के समाधान में वैश्विक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। वैश्विक पुनर्चक्रण प्रणाली सिसे के भविष्य के लक्ष्यों के मूल में है। वो हर देश के एक रिसाइकलिंग कार्यक्रम की कल्पना करती है, जो युवाओं को स्थायी प्रथाओं में शिक्षित और संलग्न करता है। यह मानते हुए कि कंपनियों को प्लास्टिक कचरा पैदा करने से रोका नहीं जा सकता है, वह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विकल्प और समाधान बनाने की वकालत करती है। उनकी रिसाइकलिंग परियोजना, जो 1998 में बहुत विरोध और ताने के बीच शुरू हुई थी, वो आज भी फल फूल रही है। तो यह था आज का अपना वीडियो, जो कुछ इस तरह से है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद।